नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देश में मॉनसून की बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल में भारी बारिश से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पश्चिम बंगाल में भी कुछ जिलों में हालात बेकाबू है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में संभल कर रहने की चेतावनी जारी कर दी है। पूर्वी भारत और उत्तर भारत में हालात ज्यादा खराब है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश से हाल बेहाल है। पुल के बराबर तक पानी पहुंच चुका है। आपको बता दें कि लोग जान जोखिम में डाल कर पानी के बीच से आवाजाही करने को मजबूर है। यहाँ भी कभी हादसे हो सकते हैं। जलपाईगुड़ी में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी के साथ खेत खलिहान पानी में डूब गए हैं। लोग नाव का सहारा लेकर जा रहे हैं। असम में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। असम में बारिश से बदतर हालात बन चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में चारों तरफ पानी का कब्जा दिख रहा है। अब तक 159 जंगली जानवरों की जान जा चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश संभव है। वहीं उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, लक्षद्वीप, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।